अन्वेषक मानदेय को लेकर बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से। साथ क्या मिलेगा श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय 24,000, इसी को लेकर एक बड़ा समाचार आ रहा है। क्या है खबर? शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो भी नए पुराने साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको आपके पसंदीदा चैनल पर आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़। अन्वेषक न्यूज़ की इस खास पेशकश में स्वागत है। राज्य परियोजना निदेशालय निषादगंज लखनऊ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री विजय किरण आनंद जी से वैश्विक शिक्षा विभाग के जूनियर हाई स्कूलों में कार्य अन्वेषकों की समस्याओं के निस्तारण संबंध में मुलाकात कर वार्ता की गई है। अन्वेषकों द्वारा वार्ता के क्रम में महानिदेशक शिक्षकों को अवगत कराया गया कि 1 जुलाई 2013 से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा के विषयों के 43,307 पदों का सृजन किया गया था, जिसके सापेक्ष में वो 32,000 पद भरे थे, जिसमें 28,000 कार्यरत अन्वेषकों के भविष्य एवं जीविका वर्जन को ध्यान में रखते हुए संगठन की तरफ से 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें प्रमुखता से निम्नलिखित मांगों का निस्तारण करने की बात कही गई है, जो कि निम्नवत है। पहला, अन्वेषक शिक्षकों का पद स्थायी किया जाए। दूसरी मांग है, स्थायीकरण प्रक्रिया शुरू होने तक अन्वेषक शिक्षकों का न्यूनतम मानदेय 24,000 प्रति माह दिया जाए, जो कि न्यूनतम मानदेय हेतु श्रम मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार निर्धारित संविदा शिक्षकों को न्यूनतम रुपए 24,000 प्रति माह दिए जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में भी किया जाए की बात संगठन ने रखी। अन्वेषकों के स्थानांतरण को लेकर तीसरे पॉइंट में लिखा गया, प्रक्रिया शासनादेश हेतु शासन में लंबित है, इसका आदेश अविलंब जारी किया जाए। चौथे पॉइंट में NIOS DLED प्रशिक्षित अन्वेषकों को वैश्विक प्राथमिक की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही मांग की गई है, अन्वेषक विशिष्ट विभाग में कार्यरत हैं अन्वेषकों को जो की VED कर चुके हैं, NIOS DLED कर चुके हैं, उनको एक शासनादेश से भारांग देते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा कहा गया कि अन्वेषकों को स्थायी प्रक्रिया में लाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और आप सभी लोग सरकार से समन्वय बनाकर चलिए, क्योंकि इसका निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। हमारे स्तर से जो भी सहयोग होगा वह सहयोग आप सभी को मिलेगा। महानिदेशक महोदय ने न्यूनतम मानदेय पर भी बात की, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना हो, इस पर बातचीत चल रही है, लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बजट के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड 2023-24 बोर्ड में बात रखी जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। आप निश्चिंत रहें, महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा कहा गया कि आपके स्थानांतरण प्रक्रिया को भी लेकर वार्ता चल रही है और पूरी तैयारी कर ली गई है, नए सत्र पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आप सभी का स्थानांतरण प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया जाएगा नए सत्र से पहले, जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा। और इस बार कंपोजिट स्कूल में कार्यरत अन्वेषकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। चौथी मांग के अनुसार महानिदेशक जी ने कहा कि NIOS से जो DLED प्रशिक्षित प्राप्त अन्वेषक हैं उनके बारे में शासन से बात रखूंगा, यदि शासन ने प्रस्ताव पास किया तो आप सभी को की मांग को आदेश के अनुसार पूरा किया जाएगा। तो साथियों, कह सकते हैं ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है अन्वेषकों के लिए। बस थोड़ा और धैर्य बनाए रखें, सत्र से पहले स्थानांतरण भी होंगे, आपके मानदेय 17,000 के आदेश को भी पालन किया जाएगा और 24,000 मानदेय जो न्यूनतम मानदेय है उस पर भी बात रखी गई है। अब देखते हैं, ईश्वर हमारे साथ है। बी पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने आप को बिजी रखिए शिक्षण कार्य में, शिक्षा में, उत्तर प्रदेश को शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।